बताए सर, आज का प्रदर्शन किस मकसद से है? जी सर, बोलो सर। मैं बंसीलाल चौधरी और हमारे ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा, इसका आज प्रोटेस्ट है, क्योंकि ये तिरंगा यात्रा सितंबर के महीने में स्टार्ट हुई थी और ये जम्मू कश्मीर के हर कोने में जा रही है कि ओबीसी की जो आर्टिकल 16-4 उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जिन लोगों के साथ सदियों से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनको रिजर्वेशन दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हो गया 16/11/1992 को, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इनको इनके रिजर्वेशन जो है इनको दे दी जाए। लेकिन ये जम्मू कश्मीर की सरकार ने 28 साल हो गए और उसको जो लड़का हुए मामले को 28 साल कहते थे पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। तो मैं कहता हूँ कि जो जो 8 साल से राज कर रहे हैं यहाँ, बीजेपी यहाँ राज कर रही है 8 साल से, तो 8 साल से इन्होंने भी हमारे बच्चों का गला घोटा हुआ है बिल्कुल। तो इसलिए हमारा जो 27% का मसला है, जो इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी 2019 में इन्होंने ही वायदा किया और क्या किया, EWS लागू की 15 दिन के अंदर पूरे देश के अंदर, और उनका कोई कमीशन नहीं बनाया, उनके लिए पॉपुलेशन नहीं कैलकुलेट की, और EWS 10% रिजर्वेशन जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और OBC को नहीं मिलती है। तो मेरा मतलब कहने का कि ये प्रधानमंत्री जो मौलाना आजाद स्टेडियम 2014 में जब चुनाव हो रहे थे असेंबली के, ये जम्मू कश्मीर में आए, उस वक्त इन्होंने वायदा किया कि 370 दफ़ा का सबसे ज़्यादा नुकसान OBC को है। अगर किसी मेरे मीडिया साथी को इस बात का, और हीरानगर में भी कहा इन्होंने, क्लिपिंग हमारे पास मौजूद है आज बिल्कुल, अब क्या डिमांड होना चाहते हैं? डिमांड यह है कि 27% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होनी चाहिए OBC की, और यानी कि शासन और प्रशासन में आर्टिकल 243 D6 और T6 जिसके तहत लिखा हुआ है कि पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडीज में इनको हिस्सेदारी मिल जाइए। आप पूंछ से चलिए और लखनपुर तक चले जाइए, OBC का ढूंढा सरपंच नहीं मिलता है, कोई सरपंच नहीं मिलता OBC का। 70 साल हो गया आज कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए, लेकिन सरपंच नहीं है इनका। आप क्या सोचते हैं गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं आज के OBC? जब आप जानवरों की गिनती करते हो, किन्नरों की गिनती करते हो, हिंदू की गिनती करते हो, मुसलमान की गिनती करते हो, सिख समुदाय की गिनती करते हो, हर 10 साल के बाद जब जनगणना होती है, हर 10 साल के बाद होती है, फिर आपने 1931 के बाद ये जनगणना क्यों रोक दी हुई है OBC की? मेहनत क्या कहना चाहोगे भाई साहब? मैंने 3 मसले कह दिए, ठीक है सर, मैंने तीनों मसले कहे कि 27% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में प्रशासन में मिलनी चाहिए, और जो आर्टिकल 243 D6 और T6 के तहत पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडी में मिलनी चाहिए, और उसके बाद जनगणना होनी चाहिए OBC की, जो 1931 के अंदर बंद करके रखी है। ठीक है सर। Oh, 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 oh